अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने हाल ही में अपनी शादी की 51वीं सालगिरह सेलिब्रेट की। इस मौके पर बॉलीवुड के इस पावर कपल को तमाम सेलेब्स और फैंस ने बधाई दी, लेकिन हैरान की बात यह है कि अमिताभ और जया के लाडले बेटे बहू अभिषेक और ऐश्वर्या ने उन्हें विश नहीं किया। अब ऐसे में एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बच्चन फैमिली में फिर से कलेश शुरू हो गया है। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। देखिए, 3 जून को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन की शादी को 51 साल पूरे हुए थे। हालांकि इस बार बिग बी की सालगिरह फीकी रही। दरअसल हर साल कपल की वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर उनके घर जलसा में फंक्शन होता था। वहीं बिग बी भी इस खास मौके पर अपनी शादी से जुड़ी एक तस्वीर भी शेयर करते थे या फैंस को कोई किस्सा बताते थे। लेकिन ऐसा पहली बार है जब अमिताभ बच्चन ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर कोई पोस्ट शेयर नहीं किया। वहीं इतना ही नहीं, अभिषेक बच्चन भी हर साल अपने मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्हें ज़रूर विश करते थे। साथ ही वे अपने पेरेंट्स की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। लेकिन इस बार अभिषेक बच्चन का सोशल मीडिया अकाउंट भी सूना ही नजर आया। वहीं अमिताभ बच्चन और जया की बहू ऐश्वर्या ने उन्हें साल 2018 में ही एक बार सोशल मीडिया पर शादी की सालगिरह विश की थी। उस दौरान ऐश्वर्या ने अमिताभ और जया के साथ अपनी बेटी आराध्या की प्यारी सी तस्वीर शेयर की थी, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि एक बार फैंस को फिर से ऐसा लग रहा है कि बच्चन फैमिली में कलह पड़ चुकी है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।